जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या आप जानते हैं कि ऐसे वक्त जब देश भर में लॉकडाउन को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मजदूरों को रोका जाए ताकि वो बिल्डर्स का काम कर सकें, जैसे कि कर्नाटक में हुआ, मजदूरों की मर्जी के बगैर वहां उनकी ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया, बीएस येदुरप्पा ने उनकी ट्रेन को कैंसिल कर दिया ताकि वो बिल्डर्स का काम कर सकें। एक ऐसे वक्त जब हम ये कर रहे हैं, गुजरात, जी हाँ, वो गुजरात मॉडल जिसके दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए थे, वो पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है, पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है। और यही नहीं, वो इस वक्त रिवर्स गियर में चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, और मैं आपके सामने एक बहुत अहम पड़ताल लेकर आ रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपके सामने इस मुद्दे की चर्चा करना चाहूंगा। यह खबर याद है आपको, बॉयज लॉकर रूम। दक्षिणी दिल्ली के कुछ 15 से 16 साल के लड़के थे जिन्होंने इंस्टाग्राम में एक चैट के दौरान यह कहा था कि किस तरह से उन्हें एक लड़की का गैंग रेप करना चाहिए। पूरा देश और सभी लोग उससे हैरत में थे कि आखिर पढ़े लिखे संपन्न घरों के लड़के इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। जी हां, इस तरह के दोहरे मापदंड की बात की जा रही थी। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चे घर में किस तरह की शिक्षा लेते हैं, घर में नेटफ्लिक्स, Amazon, इन तमाम जगहों पर किस तरह के कार्यक्रम देखते हैं? क्या आपने सोचा कि इनके बड़े भाई कैसे होंगे, इनके पिता कैसे होंगे? इसकी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। अगर मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि बॉयज लॉकर रूम में जो हुआ और जो मिसालें मैं आपको पेश करने वाला हूं, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे बड़े भाई या हमारे पिता इस तरह की जहनियत के होंगे तो क्या होगा। आपके सामने ये शख्स, इसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, फ्लॉप फिल्म्स बनाता है और मोदी सरकार की जय जयकार करता है। हालांकि 2014 से पहले ये मोदी भक्त बिल्कुल नहीं था। ये समझ गए कि 2014 के बाद अगर जिंदा रहना है और सरवाइव करना है और पैसे कमाने हैं तो भक्ति करना शुरू कर दो मोदी जी की। मैं आपको बताना चाहता हूं इस शख्स की जहनियत क्या है, और आप कल्पना कीजिए इस तरह का शख्स अगर आपका पिता हो, आपका बड़ा भाई हो। आपके सामने स्क्रीन्स। व्हाट मेक्स नैनो द सेफेस्ट कार फॉर वुमेन? नैनो आखिर औरतों के लिए सुरक्षित क्यों है? देयर इज सिंपली नो वे टू गेट गैंग रेप्ड इन हियर, क्योंकि नैनो का जो साइज है छोटा होता है, इसके अंदर लड़की का गैंग रेप नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? विवेक अग्निहोत्री। ये आदमी आज की तारीख में इस सरकार के लिए बाकायदा पत्रकारों को टारगेट करता है, सोशल एक्टिविस्ट को टारगेट करता है, जेएनयू को गाली देता है, तमाम चीजें करता है। और इसकी भाषा देखिए, 2013 का इसका ट्वीट है। आगे देखिए, ये सीता, मां सीता के बारे में क्या कह रहा है। रावण भैया मुझे छोड़ दो, सीता टू रावण चैंट्स अ मंत्रा। ये इसके विचार हैं सीता मैया के बारे में। क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा करेगा? भक्तों, ये तो मां सीता को के बारे में इतना श्लील विचार रख रहा है। आगे देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल हु गॉट अप लेट टुडे, और ये तस्वीर देख के ही मुझे शर्म आ रही है। फिर आगे देखिए इसकी जहनियत में क्या है जो ये कह रहा है। सेक्सिस्ट बट फनी, 18 से 25 साल की लड़की फुटबॉल की तरह होती है, एक के पीछे 22 लोग। 26 से 35 साल की लड़की क्रिकेट बॉल की तरह होती है, एक के हाथ आती है, बाकी सब ताली बजाते हैं। मैं आगे पढ़ना भी नहीं चाहता दोस्तों। इस आदमी ने इतनी गंदी गंदी बातें ट्वीट की हैं, और आज हमें इस बात को लेकर हैरत है कि आखिर इस देश के अंदर बॉयज लॉकर रूम जैसी चीजें क्यों हो सकती हैं। हमें इस बात को लेकर हैरत होती है कि निर्भया गैंगरेप जैसे घटनाक्रम क्यों होते हैं, जब रसूख वाले लोग, जब सत्ता के करीब वाले लोग बेखौफ इस तरह की बातें कर सकते हैं और सत्ता का हिस्सा हो सकते हैं तो क्या होगा। अब आगे देखिए, यह आदमी बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा है, हरियाणा की बीजेपी आईटी सेल चलाता है। इसके विचार आप देखिए तो आपको शर्म आ जाएगी।
सफूरा जरगर के बारे में ये अपशब्द कह रहा है, वो सफूरा जरगर जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, वो सफूरा जरगर जो कि गर्भवती हैं, वो सफूरा जरगर जिसके खिलाफ बीजेपी आईटी सेल ने इतना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। कपिल मिश्रा ने शर्मसार करने वाला ट्वीट किया और उसके बाद पूरी बीजेपी आईटी सेल एक के बाद एक इस औरत को टारगेट करने लगी। मैं नहीं जानता हूं इनकी इंसानियत कहां मर गई। देखिए आदमी क्या कह रहा है। अब ये 500 रुपए में 9 महीने का रिचार्ज किसने कर दिया? जो मांग रही थी आजादी, लेके लौटी आबादी। अब ये अरुण यादव कौन है? इन तीन तस्वीरों में देखिए, यहां इसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आशीर्वाद मिल रहा है, यहां पर इसे हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद मिल रहा है और यहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल रहा है। इनके विचार देखिए। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सफूरा जरगर को टारगेट किया क्योंकि वो मुसलमान है, नहीं, इनके विचार उन तमाम महिलाओं के बारे में ऐसे ही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार से सवाल करते हैं। और क्या जानते हैं इस शख्स को कौन फॉलो करता है ट्विटर पे? मनोहर लाल खट्टर, कैलाश विजयवर्गीय, अमित मालवीय, ये तीनों चेहरे जो हैं इस आदमी को ट्विटर पर फॉलो करते हैं और ये बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख है हरियाणा के अंदर। मुझे हैरत नहीं होती क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार बीजेपी आईटी सेल के बारे में आपके सामने कार्यक्रम करते रहा हूं और मैं जानता हूं कि इन लोगों के जहन में सिवाय कचरे के, सिवाय कूड़े के कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस देश के अंदर निर्भया गैंगरेप जैसी घटनाएं क्यों होती हैं या बॉयज लॉकर रूम जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि यह है सोच इन लोगों की। इन्हीं से प्रेरणा पाकर 16-17 साल के बच्चे जो हैं इस तरह की बातें करते हैं। जी हां, औरतों के खिलाफ हिंसा को जायज बनाने का काम कर रहा है यह सोच, जायज बनाने की काम कर रही है यह विचारधारा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अंदर से राक्षस हो जाएंगे, हम अंदर से खोखले हो जाएंगे, हमारी आत्मा मर जाएगी और तब बहुत देर हो जाएगी। मगर तब तक आप अपने नफरत के अंदर मैरिनेट होते रहें, आप अपने जहर के अंदर उबलते रहें और इस ज्वालामुखी को अंदर पाल के न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी नुकसान करते रहें। जय हिंद। और अब हम दूसरे मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं और ये दूसरा मुद्दा है गुजरात मॉडल जो पूरी तरह से सुपर फ्लॉप हो गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है उसको लेकर चिंता जता रहे हैं। जी हां, मगर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान जो है गुजरात की तरफ कतई नहीं जाएगा क्योंकि गुजरात इस वक्त रिवर्स गियर पर है। आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में अब अगले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन होने वाला है और यह बहुत बड़ा लॉकडाउन है। जी हां, एक ऐसे वक्त जब देश में लॉकडाउन खुल रहा है कई जगहों पर, यहां पर यह हालत होती जा रही है, वो गुजरात मॉडल। जी हां, खबर क्या है? बढ़ते संक्रमण की वजह से अहमदाबाद में स्थानीय प्रशासन ने फैसला किया है कि सिर्फ दवाई की दुकानें और दूध के पार्लर्स खुले रहेंगे। इसके अलावा सब्जी की दुकानें बंद, फल की दुकानें बंद, किराने की दुकानें बंद, यही नहीं स्विगी और जोमेटो भी बंद हो जाएगा। आगे देखिए, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह भी फैसला किया है कि सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स अगले 48 घंटे में खुल जाएंगे वरना उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 7 प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित किया है ताकि वो इसका इलाज कर सकें। यही नहीं, आपके स्क्रीन पर अमित शाह से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह अपील की है कि कोरोना का इलाज करने के लिए विशेष डॉक्टर्स भेजे जाएं। ये क्या बता रहा है कि गुजरात में हालात बिल्कुल बेकाबू हैं। आपको याद है जब न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी कि किस तरह से केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा ये वो 3 राज्य हैं जो गरीब मजदूरों से पैसा ले रहे हैं, मगर गुजरात का बिल्कुल जिक्र नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके सामने ये सरकारी फरमान है और इस सरकारी फरमान में जो ये चीजें हाईलाइट की गई हैं गुजराती में, उसका मैं आपको अनुवाद करके बताना चाहता हूं। यह सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। राज्य सरकार ने आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त किया है ताकि वो राज्यों के साथ
तालमेल बिठाएं, किनके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए, ताकि वो घर लौट सकें अपने पैसे पर। मुद्दा नंबर एक क्या कह रहा है कि मजदूर अपने पैसे देंगे और इसके लिए राज्य जो है यानी कि गुजरात वो अन्य राज्यों के साथ तालमेल बिठाएगा। मुद्दा नंबर दो, अश्विनी कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में हैं, उन्होंने कहा है कि जो मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं, उन्हें अपने टिकट्स खुद खरीदने होंगे। अब मैं आपको कुछ मजदूरों की आवाजें सुनाना चाहता हूं। अहमदाबाद मिरर ने इन मजदूरों से बातें की हैं और आप खुद इन मजदूरों से सुनिए ये मजदूर दरअसल कह क्या रहे हैं, सुनिए। अभी जा कहाँ रहे हो? जा रहे हैं बोलने की गाड़ी आगरा तक जा रही है। आप आगरा से कहाँ जाओगे फिर? आगरा से बांदा जाएंगे। अच्छा, वहाँ से कैसे जाते हैं? बस में जाते हो? हाँ, वहाँ से बस में जाते। कितना दूर है वहाँ से? वहाँ से 500-600 किलोमीटर है। वहाँ 600 किलोमीटर है, तो अगर कुछ मिला नहीं तो वहाँ से क्या करोगे आप? पैदल जाएंगे। पैदल जाओगे? कितने दिनों के बाद आप घर जा रहे हो? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। यहाँ पे कितने टाइम से आप फंसे हुए थे? 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने हो गए। यहाँ पे खाने का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था? खाने का प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, कहाँ पे आप काम कर रहे थे? नंदन डेयरी। अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ से आप जा रहे हो, अभी आपको क्या सुविधा मिली है? पानी पियाते हुए, पानी भी नहीं मिला हम लोग को अभी तक। तो कब से आप लोग बस में आए हो? बस में हो गए 3 घंटे हो गए और अभी तक पानी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, और कितने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं यहाँ से जाने के लिए? 250 रुपए। कल जो अचानक सिर्फ 24 घंटे का भी वक्त नहीं दिया गया था वहां के लोगों को कि अब तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पत्रकार जनक दवे ने ये तस्वीर पेश की है और इस तस्वीर में देखिए क्या बुरे हालात बन गए हैं अहमदाबाद के। लॉकडाउन की ऐसी तैसी हो गई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई है, या देखिए क्या हालात हैं। जी हां, ये हालात हैं अहमदाबाद के गुजरात मॉडल के। कुछ सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। मान लिया दिल्ली के अंदर आप तबलीगी जमात को दोष मढ़ सकते हैं, यहां पर इतने कोरोना के केसेस हो गए, वही तबलीगी जमात जिनकी जांच एयरपोर्ट में नहीं हुई और वो भारत के अंदर घुस के आ गए, वही तबलीगी जमात का आयोजन जिसे आयोजन की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी, वो चाहते तो मुंबई पुलिस की तरह उन्हें आयोजन की अनुमति नहीं देते मगर दी। दिल्ली की तो हमने मान ली। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है और यहां आप जानते हैं कि झुग्गियां ढेरों हैं, यहां पर इसका संक्रमण फैलना बात समझ में आती है, मगर गुजरात, ये तस्वीर देखिए। नमस्ते ट्रंप। जी हां, लाखों लोगों को सड़कों पर खड़ा किया गया था, दीवारें उठा दी गई थी ताकि ट्रंप हमारी गरीबी को ना देख सकें। एक स्टेडियम के अंदर लाखों लोग जमा थे। ये तस्वीर आपके सामने है। आज क्या ये हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए कि अगर गुजरात की जनता इस दोजक का, इस नर्क का सामना कर रही है तो कहीं इसका जिम्मेदारी ये तो नहीं है? और देखिए ये घटना कब हुई थी? फरवरी में हुई थी, फरवरी के उत्तरार्ध में, दूसरे हिस्से में हुई थी फरवरी के। और भारत ने, भारत सरकार जो दावा करती है कि हमने कोरोना को लेकर उपाय जो हैं वो 15 जनवरी से शुरू कर दिए थे, तो मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि आपने अहमदाबाद के अंदर ऐसा तमाशा क्यों किया? गुजरात में मृतकों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या यह सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आज गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है और उसकी वजह यह है कि आपने ट्रंप के स्वागत में यहां पर यह अश्लील ड्रामा किया था? जी हां, मैं अश्लील कह रहा हूं। मैं अश्लील इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज गुजरात उसका खामियाजा भुगत रहा है। गुजरात इस वक्त देश का दूसरा बड़ा राज्य है और सरकार का ध्यान किसकी तरफ है? महाराष्ट्र की तरफ है, पश्चिम बंगाल की तरफ है। यकीनन वहां स्थिति गंभीर है। आपके सामने एक बार फिर हर्षवर्धन जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत गंभीर है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने जो गैर जरूरी चीजों की बिक्री है और शराब की बिक्री को फिर से रोक दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि शराब के केंद्रों में भीड़ इकट्ठी हो रही है जिसके चलते फिर से कोरोना फैल सकता है। महाराष्ट्र संकट का सामना कर रहा है और हम महाराष्ट्र का सवाल तो उठाते रहे हैं ना मीडिया में, सिवाय महाराष्ट्र के, सिवाय जो गैर बीजेपी राज्यों के, और तो किसी की चर्चा नहीं होती है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल पर कड़ा रुख अपनाया है किसने? केंद्र सरकार ने। यूनियन होम सेक्रेटरी जो हैं अजय भल्ला, उन्होंने कड़े तेवर अपनाते हुए 3 खास बातें कही हैं पश्चिम बंगाल को, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कुछ खास गुट कोरोना फैला रहे हैं,
यूनियन होम सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग नदियों में नहा रहे हैं, रिक्शे चलाए जा रहे हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है राज्य सरकार। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की रेट ऑफ टेस्टिंग यानी कि कोरोना को लेकर जो परीक्षण होता है वो बहुत कम है। वैसे तो केंद्र सरकार ने इससे पहले बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो बाद में झूठ साबित हुई हैं, मगर मैं आपकी इस बात का विश्वास करता हूं और तमाम मुख्य धारा की मीडिया चैनल्स जिनकी लाखों करोड़ों में रीच है वो सिर्फ इन राज्यों की बात कर रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि गुजरात की रेट ऑफ टेस्टिंग इस वक्त देश में सबसे कम में बताई जाती है। आज न्यूज चैनल्स आखिर गुजरात की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भूल जाइए कि अगर आपको इस बात का डर है कि आप मोदी जी के चलते गुजरात की बात नहीं कर सकते, मगर गुजरात की जनता के प्रति तो आपका दायित्व है, उनके प्रति तो आपकी जिम्मेदारी है। कैसे भूल गए आप गुजरात की जनता को? जिस गुजरात को पूरी तरह से मुख्यधारा की मीडिया ने भुला दिया है उसकी एक और तस्वीर मैं आपको जाते जाते दिखलाना चाहूंगा। ये डीडी न्यूज गुजरात चला रहा है, पढ़ के सुनाऊंगा अंग्रेजी में फिर उसका अनुवाद करूंगा। गुजरात गवर्नमेंट शेयर्स सक्सेस स्टोरी विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिगार्डिंग 6,000 पीपल इन क्वारंटीन बेनिफिटिंग फ्रॉम आयुर्वेदिक काढ़ा। पीपल हु वर इन क्वारंटीन एंड ड्रैंक काढ़ा फॉर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम टेस्टेड नेगेटिव फॉर COVID-19। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक काढ़ा पीने से जो लोग क्वारंटीन में थे वो कोविड को लेकर नकारात्मक पाए गए। अगर ये सत्य होता तो आज की तारीख में ये खबर पूरे देश में फैल गई होती, सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर अमली जामा पहना दिया गया होता, भारत की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही होती और डीडी न्यूज गुजरात चला रहा है कि किस तरह से 6,000 लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़ा पिया। अंधभक्ति का क्या इलाज है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस देश में पिछले 5 सालों में अंधभक्ति की जो सोच है वो लगातार बढ़ी है और इसको बढ़ाने का काम मानव संसाधन मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों से लेकर सब ने किया है। और यहां पर भ्रमित करना है, एक गलत तस्वीर आपके सामने पेश करना है और इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मगर देखिए साहब, बोल के लब आजाद है तेरे में, हम तो ये मुद्दे उठाएंगे। मुख्य धारा की मीडिया बेशक भूल जाए मगर हम इन मुद्दों से पीछे नहीं हटने वाले। नमस्कार।